पर जल्द ही नया सुपरनेचुरल शो आने वाला है जिसका नाम है पिशाचिनी। ये शो एक बरेली की लड़की की कहानी को बयां करेगा जो कि एक पिशाचिनी है, जिसमें पिशाचिनी का किरदार निभा रही है एक्ट्रेस न्यारा बनर्जी। न्यारा ने खुद शो में अपनी एंट्री को कंफर्म किया है और इसी के साथ ये भी बताया है कि ये शो जल्द ही फ्लोर पर आने वाला है। इस वक्त इस नए शो को लेकर खूब बज बन रहा है। इसी के साथ लोग ये भी अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर कलर्स टीवी के इस नए शो में जो पिशाचिनी बनने वाली है, आखिर ये एक्ट्रेस है कौन। तो आज इस वीडियो में हम आपको न्यारा बनर्जी के बारे में पूरी कहानी बताते हैं। 14 मई 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्मे न्यारा पिछले काफी वक्त से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। न्यारा का असली नाम मधुरिमा बनर्जी है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही पूरी की और इसके बाद मुंबई के परवीन गांधी कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। न्यारा ने बहुत कम उम्र में अपनी माँ से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गजल सीखी और बच्चों के गीत भी गाती थी न्यारा बनर्जी। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य कथक भी सीखा, लेकिन अक्सर उनके फादर की जॉब के कारण ट्रांसफर होती रहती थी, जिसके कारण उन्हें अपना कथक सीखना बंद करना पड़ा। एक दिन एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करते समय उन्हें फेमस डायरेक्टर GV अय्यर ने देखा, जिन्होंने न्यारा को हिंदी टेलीविजन शो कादंबरी के लिए साइन किया था। आपको बता दें कि उन्होंने रामायण की एक फिल्म रूपांतरण में सीता की भूमिका निभानी थी, जिसे जीवी राव अय्यर शूट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन डायरेक्टर की मौत हो गई और ये प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। हालांकि अपनी पढ़ाई के कारण बनर्जी को कुछ बड़े बैनरों को ठुकराना भी पड़ा। जब तक प्रियदर्शन ने न्यारा को अपनी फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए मना नहीं लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यारा ने एक्टिंग की फिल्म में जाने की ही सोची और साल 2009 में आई फिल्म टॉस ऑफ फ्लिप ऑफ डेस्टिनी से बॉलीवुड में शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शेरी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद न्यारा ने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल भाषी फिल्मों में खूब काम किया। उसी साल उन्होंने फिल्म अजहर के लिए डायरेक्टर टोनी डिसूजा को असिस्ट भी किया। फिल्म करने के दौरान बनर्जी टीवी शोज में भी खूब हाथ आजमाती रही। यूं तो बनर्जी का पहला टीवी शो साल 2007 में आया शो कोई है था, जिसमें उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद बनर्जी फिल्मों में बिजी हो गई और फिर 11 साल के बाद स्टार प्लस के शो दिव्य दृष्टि में लौटी थी, जिसमें उन्होंने दिव्य शर्मा का किरदार निभाया था। इस शो से बनर्जी को खूब फेम मिला, जिसके बाद वो एक्सक्यूज मी मैडम और रक्षाबंधन जैसे शो में भी नजर आए। और अब न्यारा के हाथ एक और बड़ा सुपरनेचुरल शो लगा है जिसका नाम है पिशाचिनी। हालांकि इस नए शो से न्यारा लोगों पर कैसी छाप छोड़ पाती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि टीवी पर सुपरनेचुरल शोज की बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में पिशाचिनी शो से न्यारा बनर्जी क्या कुछ कमाल करती है, ये देखने वाली बात रहेगी।